Hey yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to my another vlog. So guys, कल है क्रिसमस और ये व्लॉग मैं आज इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल अगर मैं शूट करूँगा तो वो ये व्लॉग परसों अपलोड होगा, तो इसलिए मैं ये व्लॉग है ना आज अपलोड कर शूट कर रहा हूँ मतलब. तो अभी आज ना क्लास में क्रिसमस पार्टी है, तो है ना वही अभी 5:30 को है ना हमें जाना है. और अभी क्या अभी दो है ना टॉर्टोइज है वो भी है ना मैं आपको दिखाता हूँ. और मेरे पास है ना एक कैट भी आई तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ. सो गाइस ये देखिए, ये है वो टर्टल और ये है छोटा वाला एकदम. ये दो टॉर्टोइज है. वैसे ये तो ये हमारे नहीं है, हमारे जो बाजू में जो अत्या रहते हैं हमारे उनका है ये दोनों भी, ये और ये. और अभी वो जो कैट है वो कैट मैं आपको दिखाता हूँ. ओलिव, ओलिव. सो गाइस ये देखिए, ये है वो कैट, बहुत सुंदर कैट है ये देखिए. ओलिव गाइस, इसका नाम है ओलिव. ये सो रहा था, मैंने इसको उठा दिया, जगा दिया, गुस्सा हो गया मेरे पर. आप ही ओलिव रागला बाबू, रागला रागला. सो गाइस अभी मैंने आपको जो मेरे पास दो पेट है वो कैट जो है ना वो परमानेंट है, और जो वो जो दो टॉर्टोइज है ना वो मेरे नहीं है. एक्चुअल में वो मेरे नहीं है, वो बाजूल जो आंटी है ना उनके है, हमारे आत्या मतलब रिंच में से. तो अभी मैंने तो कैट भी आपको दिखा दी और वो जो टॉर्टोइज थे वो भी दिखा दिए. अभी मैं ना आपको मेरे जो मॉन्स्टर फिश है ना वो भी दिखाता हूँ. अभी वो ना बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं बड़ी होगी, मेरे हाफ इंच के हाथ तक तो हो गई रहेगी. हाँ ज़्यादा नहीं बड़ी हुई तो हुई है वही. आपको ना अभी पूरा टैंक भी दिखाता हूँ. अरे हाँ अभी याद आया, टैंक भी धोना है मुझे. तो अभी है ना एक काम करता हूँ आपको, फिर है ना मैं दिखाता हूँ और फिर है ना टैंक धोता हूँ. टैंक धोने के बाद फिर हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे. और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है क्या सब. हाँ पाइनएप्पल का जो पेड़ रहता है ना वो है. ये एक छोड़ के इसके दो दो है. ये देखिए ये ऐसा होता है. ओहो इसको चींटी लग गई है, पूरा अंदर से काटना ले बस. तो ये है दो और पाइनएप्पल के प्लांट्स, पाइनएप्पल के प्लांट्स. और यहाँ पर तुलसी लगी हुई है और ये शो का प्लांट है. नीचे तो आपको पता ही है मेरे कितने सारे प्लांट्स हैं. और मेरे यहाँ पर बाम्बू का ट्री है. तो बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वो कैटफिश, कैटफिश दिखाता हूँ और फिर मैं टैंक धोता हूँ. टैंक धोने के बाद हम और ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे. सो अभी मैं आपको चेक आउट कराता हूँ मेरा टैंक. और हाँ गाइस मैं आपको तो ये दिखाना ही भूल गया, मेरा भाई है साहिल, उसने ये क्रिसमस ट्री बनाया. मतलब उसने नहीं पूरे, उसके मतलब उसका फ्रेंड भी है उसने भी बनाया है. दोनों ने पूरा मिलकर बनाया है. ये देखिए ये है वो क्रिसमस ट्री. इतना बड़ा नहीं, मतलब इसको मैंने स्टूल पर रखा है इसके लिए उतना बड़ा लग रहा है. ये देखिए ये पूरा इधर तक पूरा उन लोगों ने बनाया है. बहुत खूबसूरत है देखिए आप सभी. इसमें आधा आधा मेरा भी मेहनत लगा है, मैंने भी आधे से ज़्यादा इसमें लोग को हेल्प की है. हॉटलू गम कैसे, मतलब बच्चों लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा बड़े लोग के ना साथ मिलकर करना चाहिए. क्योंकि वो हॉटलू गम ना डेंजरस होता है, थोड़ा बहुत डेंजरस होता है. क्योंकि अगर गलती से भी बाई चांस अगर है ना वो आपके हाथ पर लग जाए ना तो वो क्या अपनी स्किन होती है ना, स्किन है ना निकलने के चांसेस होते हैं.
इसलिए प्लीज़ आप जो भी मतलब हॉट ग्लू गन यूज़ करते हो तो है ना, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर आपका बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, जिसके साथ भी हो, बड़े एल्डर्स के साथ आप कर सकते हो, बट अकेले मत करना अगर आप छोटे हो। मैं हूँ, मेरा साहिल साहिल का बड़ा भाई हूँ, इसके लिए मैंने उसका हेल्प कर दिया। तो बस अभी ये देखिए पूरा बेल्स वेल्स लगा के आ रही, बेल्स निकल गई, मेरे को चिल्लाएगा वो, बेल्स निकाल दिए तो। हाँ तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी मॉन्स्टर फिश। तो गाइस ये देखिए, अरे वो मॉन्स्टर फिश की थी। हाँ ये देखिए वो कैट फिश, मॉन्स्टर फिश, हाँ कैट मॉन्स्टर फिश हो, ये कैट मॉन्स्टर फिश। और ये देखिए हमारी गोल्ड, और शार्क, डॉलर। देख गाइस आपको एक खास बात बताऊँ, जो टैंक है आपको ये पूरा एकदम सादा दिख रहा है, एकदम नॉर्मल, एकदम फुल नॉर्मल दिख रहा है। अभी मैं आपको है ना इसमें एक अच्छी जो मैंने लगाई है इसके अंदर, ये है वो लाइट। इसके अंदर है ना तीन कलर्स है, ये है रेड और ये है, ये एक्चुअल में आपको कैमरे में है ना वाइट दिख रहा होगा, बट ये है ना वाइट नहीं है। इसमें है ना एक्चुअल में कितने कितने हैं, दो तीन चार, हाँ तीन तीन से चार कलर्स इसमें है, इसके लिए आपको ये पूरा वाइट दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में वाइट है नहीं। तो अभी है ना जो वाइट वाला है ना, बस वो है ना वाइट एंड ब्लू कलर का होता है, और ये वाला सब सबको है ना जो भी मेरे घर पर आता है ना उसको सबसे ज़्यादा है ना ये वाला मेरा छोटा टैंक ही पसंद आता है, क्योंकि इसका पूरा लुक ही अलग है। इसमें एकदम ट्रॉपिकल फिश भी है और अल्बिनो शार्क है, इस सब इतने सुंदर सुंदर फिश है, इसके लिए सबको ये पसंद आता है ज़्यादातर करके। और मेरा ये टैंक में सबसे ज़्यादा सबकी फेवरेट होती है मॉन्स्टर कैटफिश, और उसके बाद आती है शार्क, और फिर उसके बाद आती है गोल्ड, फिर डॉलर, और सबसे एग्रेसिव इन लोग में से यही है सिर्फ अलिफ। ये देखो अलिफ भी आ गया हमारे पास, गुस्सा ठंडा हो गया लगता है, राग शांत साला करे तुझा अलिफ, गुस्सा है अभी तो गुस्सा जबला तू। तो क्या है सभी, मैंने आपको ये भी टैंक दिखा दिया है, ये भी टैंक दिया दिखा दिया है, मॉन्स्टर फिश भी मैंने दिखा दिया है। तो एक काम करता हूँ अभी, फिर है ना मैं जो क्लास का वर्क है वो कंप्लीट करता हूँ, और फिर टैंक को धोना भी है वो टैंक धोता हूँ। तो ओके फिर मैं अभी ना आपको कभी मिलूँगा, हाँ 5 o'clock को, या फिर है ना अभी 4 o'clock को मैं आपको मिल सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे है ना गिफ्ट भी लेने जाना है, इसका जो क्रिसमस डे का होता है ना वो गिफ्ट भी मुझे लेकर आना है। तो मेरा फ्रेंड है उसके साथ जाऊँगा मैं, तो बस अभी बस मैं वो गिफ्ट लूँगा, फिर बाद में थोड़ा पढ़ाई करूँगा वापस, फिर बाद में हम चलेंगे 5:30 को, नहीं मैं 5:30 नहीं, मैं 5 o'clock को जाने वाला हूँ, क्योंकि टीचर बोली थी मुझे कि ऊपर थोड़ा मतलब डेकोरेशन को थोड़ा काम है, इसके लिए मुझे जाना है वहाँ पर। तो मैं 5 o'clock को जाऊँगा वहाँ पर, फिर 5 o'clock से वापस मैं ना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। सो ओके गाइज, फिर अभी मैं टैंक धोता हूँ, चलो बाय। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए, तो अभी गिफ्ट लेने जाएंगे और गिफ्ट लेकर भी आएंगे, तो तब तक मुझे कितना आधा घंटा तो ज़्यादा लग जाएगा, तो आधा घंटा लग जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ कितना, अभी 4:35 हो रहा है, 4:35 हो रहा है, तो अभी बस मेरा सामने ही क्लास है, तो अभी मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ। गिफ्ट लेकर आने के बाद मुझे सब ड्रेसिंग भी करना है, फिर ड्रेसिंग करने के बाद फिर ऊपर जाना भी है। लो आ गए हमारे भाई। अरे थाम ना, कुछ चल रहा मी पण येऊ का 5 वाजता, व सगळं सगळं झालं ना, ठीक आहे ठीक आहे, येतो तरी पण मी 5 वाजता। हां तो अभी सब पूरा ये भी हो गया है, सारे पूरे गाँव से कितने थे श्रीधर, डेकोरेशन सर, यहाँ सब डेकोरेशन भी हो गया है। तो मैं 5 बजे जाने वाला था, बट कोई बात नहीं, अभी डेकोरेशन हो गया है, बस बलून्स लगाने बाकी है, बलून्स भी लगा देंगे हम लोग, अगर नहीं हो पाए तो मैं जाकर वहाँ पर भी लगाऊंगा बलून्स। तो बस अभी मैं जाता हूँ शॉप में, वो आपको पूरा शॉप भी दिखाऊंगा कि कौन से मैं शॉप में गया था, कौन सा क्या गिफ्ट, नहीं आपको गिफ्ट नहीं दिखाऊंगा मैं, गिफ्ट में तभी दिखाऊंगा जब
मैं क्लास में जाऊंगा, क्लास में जब जाऊंगा मैं फ्रेंड को गिफ्ट में दूंगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि सरप्राइज़ है ना। उसने मेरे फ़ोन में देख लिया कि कौन सा गिफ्ट दे रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए अभी मैं सीधा आपको दुकान के बाहर दुकान में देता हूँ। सो गाइस अभी मैंने गिफ्ट तो ले लिया है, गिफ्ट में आपको बताऊंगा नहीं मैंने क्या लिया है, वो आपको सीधा क्लास में जाकर ही पता चलेगा कि मैंने गिफ्ट क्या लिया है। अभी हम श्रीधर के लिए, श्रीधर जो गिफ्ट लेगा उसके लिए वो अभी लेने जा रहे हैं, वो गिफ्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए अभी हम लोग है ना दूसरे शॉप में जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले रोड क्रॉस करते चला जाए। गाइस अभी ये देखिए ये वो गिफ्ट, अभी आप गैस कीजिए इसमें क्या हो सकता है और कमेंट में बताना कि इसमें है क्या, मतलब ये बहुत लंबा है कि आप चले गए, तो गैस कीजिए प्लीज़ और कमेंट में कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक और नेम मेरा डाल दूँगा, फीडर का भी डाल दूँगा वहाँ पर। तो बस अभी गिफ्ट तो ले लिया है, अभी फिर चलते हैं घर पे, घर पे और फिर पूरा ड्रेसअप करना है, तो सब रेडी वेडी होकर फिर हम लोग चल निकलेंगे क्लास के लिए। थोड़ा देखते हैं वहाँ पर, अगर कुछ काम रह गया रहेगा तो कर लेंगे वहाँ पर। और क्या सुनते हैं, हाँ हाँ, जो मेरा जो स्पीकर है वो वहाँ पर भी है ना, थोड़ा सेटअप बिटअप भी करके देना पड़ेगा ना उन लोग को, थोड़ा वो पिन विन का थोड़ा इशू हो जाता है उसका, इसके लिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं अभी 5 बजे जाने वाला हूँ श्रीधर के साथ, वो भी अभी घर पे जाएगा, रेडी होगा, पहले गिफ्ट लेगा फिर रेडी होगा फिर मेरे साथ आएगा, तो मेरे साथ आने के बाद फिर हम लोग क्लास में जाएंगे और उसके बाद में वहाँ पर सब जितना भी वहाँ पर मतलब पार्टीज़ होंगी जो भी मतलब होने वाला है ना वहाँ पर, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ एक ब्लॉग को ना पूरा देखना कि क्रिसमस की पार्टी हमारी कैसी होती है, और अपने जो मेरा क्लास में डांडे वाला ब्लॉग था उसमें भी पूरे 100 के ऊपर व्यूज़ कर दिया आपने, तो उसके लिए भी थैंक यू, और आपने भी उसको ना बहुत प्यार दिया। बट प्लीज़ गाइस लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, उसको क्या होता है तो देखते पर सब्सक्राइब नहीं कर पाते, सब्सक्राइब करते ही नहीं, बस उसका बुरा लगता है कि देखते हो आप और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसलिए बस ये मेरी रिकमेंड्स है आपसे। तो बस अभी हम लोग गिफ्ट लेंगे निकलेंगे क्लास के लिए, ओके स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस अभी हम लोग श्रीधर को बुलाने जा रहे हैं, हमारे दोस्त आयन और अमन, हम तीनों जा रहे हैं श्रीधर को बुलाने के लिए। देखिए चलो गाइस चलिए, अरे मैं तेरा यूट्यूब का ये तो इंट्रोडक्शन दे दे थोड़ा। नहीं नहीं मेरा फेस रिवील नहीं हुआ है, तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल नहीं दूंगा। ओके तो मैं एक काम करूंगा फिर है ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके ना चेक कर, तभी हो जाएगा फेस रिवील। मेरे ब्लॉग में हो रहा है, उसके चैनल पे अभी तक नहीं हुआ है, समझा? अभी भी बस क्या है भाई, फिर मेरा भी लिंक दे देना। हाँ चलो, लेकिन मैं गेमिंग वीडियो डालता हूँ। हाँ मैं अंगार हूँ, अंगार। चलो फिर अभी हम लोग तो जा रहे हैं अभी श्रीधर को लेने के लिए, वो मेरे को बोला था वो 5 बजे आएगा पर अभी तक वो आया नहीं है, 6 बज के गए। 5 बजे आएगा, कुछ डाल ली थी श्रीधर ला बोला चल रहे अब क्या ब्लॉग करते करते जाने का, यार यार कितना अंधेरा है यार। हाँ ब्लॉग तो क्या भाई, तुम लोग सादे इंसान थोड़ी ना हो। तो गाइस अभी अभी श्रीधर के घर पे तो अभी लोग नहीं पहुंचे अभी तक, तो एक काम करता हूँ, कैमरा रोड पे पूरा चालू तो नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ उसको सीधा ना लेकर हम लोग
क्लास में आ जाते हैं, फिर क्लास में हम लोग वापस व्लॉग शूट करेंगे। मैं क्लास में इसलिए व्लॉग नहीं शूट कर रहा हूँ क्योंकि है ना वहाँ पर बहुत मतलब भीड़ चल रही है और बहुत ज़्यादा क्राउडनेस है और बहुत आवाज़ है वहाँ पर, और डीजे भी बज रहा है वहाँ पर, इसके बच्चों लोग का ना बहुत सारा आवाज़ है। इसके लिए ना मैं कुछ वहाँ पर व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए ना मैं थोड़ा नीचे भी आया और श्रीधर को लेने के बहाने थोड़ा व्लॉग भी कर लूँगा। अरे बंद करना। इसके लिए क्या भाई, क्या तेरे को लेके आने वही गलती कर दी है मैंने। बंद कर देना अभी, कितना बोलेगा वो बोल रहा हूँ। पीस आउट, अभी मैं कैमरा बंद करूँ। Been waiting for you, my love. Head over heels.
You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. तो गाइस अभी यहाँ पर फंक्शन सब शुरू हो गया है, फंक्शन शुरू हो गया है और ये देखे हमारी दीदी सीमन दीदी, अरे दीदी हो गया नहीं है। ओके बस तो गाइस अभी है ना यहाँ पर फंक्शन शुरू हो चुका है, तो अभी हम लोग सब लोगों को नीचे बैठने हैं, तो अभी डांस भी सबका हो चुका है एकदम बहुत गंदा वाला, सब लोगों ने डांस किया है। पिछले दिन तो बहुत गंदा वाला, हद से ज़्यादा गंदा वाला डांस किया है, कुछ किया है। इसको आपने देखा ही अगर बंद में this is something special. To all the Majis and all the Pajanas, this is Pajana House. And it is Rung Dalish Bara. Oh baby, tera gaan se pyara. Oh baby, yeh tumka dil saada. Ke dikh gaya pyar yeh Patiyala. Yeh
बीच में फोन मतलब चमचम कर दे के हाँ।